दो मुख्य आरोप जो आपके बजट पर विपक्ष लगा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, मतलब नीतीश बाबू चाहिए, नायडू बाबू चाहिए, तो आपने उन दोनों को खुश किया है। और दूसरा, कांग्रेस कह रही है ये उनके मैनिफेस्टो से कट पेस्ट बजट है। अपनी खूबियां गिनाकर बजट की दोनों आरोपों का आप जवाब दें। पहला, हमारे बजट के ऊपर वोट ऑन अकाउंट के समय ही काफी काम हो चुका था। इस बजट में उस वोट ऑन अकाउंट में जितने भी जिक्र हुआ है विषय, उन सब का इसमें भी जिक्र है, क्योंकि वो पहले 4 महीने का बजट था इस वित्तीय वर्ष का, और अभी 8 महीने जो बचा हुआ है उसके लिए ये बजट आ रही है। मगर उससे इम्पोर्टेंट विषय कि अगले आने वाले 5 साल जो अमृतकाल के 5 साल है, विकसित भारत की ओर का 5 साल है, उसका डायरेक्शन सेटिंग करने वाले बजट है ये। सो उसमें महिला का स्थान क्या होगा, उसके लिए कितना करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे, अन्नदाता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये तो विकसित भारत के नजर रखते हुए वोट ऑन अकाउंट में ही हम जिक्र कर चुके थे, उसका विस्तार से इसमें बात की। सो कट पेस्ट का इसमें कोई वो क्लेम करने का अधिकार ही नहीं है। 2047 तक भारत अगर विकसित भारत होना है, उसके लिए हम रास्ता क्या देख रहे हैं और बना रहे हैं, उसमें पहले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये तो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के पहले ही हमारे बजट के द्वारा बोल दिए। इसमें कट पेस्ट क्लेम करने वाले कौन है, करने का उनके अधिकार भी बनता है क्या? ये नौटंकी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैं एकदम उसको खारिज करते हैं। लेकिन कुर्सी बचाओ तो है, क्योंकि अब देखिए ये पहले 282 वाला बजट, 303 वाला, अब ये 240 वाला है। तो नायडू बाबू को और नीतीश बाबू, 58,000 करोड़ आपने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, नया कैपिटल बनाना चाहते हैं नायडू साहब अमरावती, तो आपने उनको इतना पैसा दिया तो बाकी राज्य गुस्से में है। नहीं, पहला मैं बाकी राज्यों से ये भी पूछना चाहती हूँ, भारत देश में अगर एक राज्य ऐसे है जिसमें आज तक उनका राजधानी तक नहीं है, क्या उनको मदद करना गुनाह है क्या? क्या यूपीए सरकार अगर होते आज, वो इनकार करते हैं आंध्र प्रदेश को? आपके एपी रिओर्गनाइजेशन एक्ट में दिया गया है हक कि आपको एक कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, क्या यूपीए सरकार उसको नकारेंगे? भारत देश में एक ऐसे कानूनन जो विभाजन हुआ, उस राज्य में कैपिटल तक नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या तर्क रख रहे हैं? देश आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? मैंने सोचा इस चुनाव के द्वारा जैसे सरकार बनाने के लिए पार्टी को चुना जाता है जनता से वोट के द्वारा, इस बार सचमुच विपक्ष का भी चुनाव हुआ है, मतलब 50 सीट के साथ आप शायद ताकत से पार्लियामेंट में कंडक्ट कर नहीं पा रहे हो, लो 40 और सीट, फिर भी जनता ने उनको 100 पार नहीं करने दिया। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रोल आप निभाएंगे या नौटंकी करते रहेंगे?